दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, दो तीन दिन रखा, बहुत परेशान किया और बाद में छोड़ दिया। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें पता नहीं होता है कि जब गिरफ्तारी होती है तो कुछ हमारे कानूनी अधिकार होते हैं, लीगल राइट्स होते हैं, जो कि सीआरपीसी में प्रोविजन में किया गया है, लेकिन इसके बारे में जानकारी न होने के कारण उनके साथ ऐसा होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एक गिरफ्तार व्यक्ति के गिरफ्तार होने के बाद कौन कौन से कानूनी अधिकार होते हैं। जो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एक गिरफ्तार व्यक्ति के कौन कौन से लीगल राइट्स होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है। तो जवाब है हाँ। एज पर सीआरपीसी सेक्शन 41 पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि बड़े अपराध, मर्डर, रेप वगैरह। छोटे अपराध होते हैं जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, उसमें विदाउट वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब आपको एक बात बताऊं तो रेणी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने दो लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया, तो उनमें से एक ने सुप्रीम कोर्ट में रीट लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट पे 5-5 लाख का कंपनसेशन ठोका कि आपने विदाउट रीजन कैसे गिरफ्तार कर लिया। आप गिरफ्तार करते हैं तो लेकिन आपको रीजन तो देना पड़ेगा, यानी कि पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन कुछ ग्राउंड्स होते हैं, कुछ रीजन होते हैं, उसके बिना पर ही गिरफ्तार कर सकती है। देखिए, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आपको यह अधिकार मिलता है कि आप गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार रखते हैं। आप पूछ सकते हैं पुलिस को कि आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, आपने किया क्या है और आपको किस सेक्शन के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। सीआरपीसी सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के तहत आपको यह अधिकार प्राप्त है कि आप गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं, आप गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं। इसके बाद अरेस्ट मेमो बनवाने का अधिकार। अगर आपको गिरफ्तार करते हैं तो आप पुलिस को कह सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन अरेस्ट मेमो यहीं पर बनवाइए। अब अरेस्ट मेमो क्या होता है? तो अरेस्ट मेमो होता है कि आपको गिरफ्तार करते हैं तो आपका नाम, आपका पता, आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है और जो गिरफ्तार करने आया है वो अफसर, उसका नाम, उसकी डिटेल, उसका रैंक और आपके साइन होते हैं। तो ये अरेस्ट मेमो बनवाने का अधिकार और गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार भी आपको सीआरपीसी सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 और अरेस्ट मेमो बनवाने का अधिकार सीआरपीसी सेक्शन 41B के तहत आपको मिलता है। देखिए, अब बात करते हैं महिला की गिरफ्तारी के बारे में। तो महिला की गिरफ्तारी के लिए किसी भी महिला पुलिस अफसर का होना बहुत जरूरी है, उसके बिना किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सीआरपीसी सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 में ये क्लियर प्रोविजन है कि किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए महिला पुलिस ही चाहिए, किसी मेल, किसी फीमेल को नहीं अरेस्ट कर सकता। साथ ही में सीआरपीसी सेक्शन 46 सबसेक्शन 4 में ये कहा गया है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि क्राइम सीरियस होता है और गिरफ्तारी बेहद जरूरी होती है और पुलिस को लगता है कि अगर इसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये भाग सकती है या कोई और क्राइम कर सकती है, तो ऐसे केस में पुलिस मजिस्ट्रेट से स्पेशल परमिशन लेते हैं और इसके बाद उस महिला को गिरफ्तार करते हैं। तब तो इस सिचुएशन में 12 बजे भी भले ही गिरफ्तार कर दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला अफसर ही जरूरी होती है। जबकि अब गिरफ्तारी के बाद क्या? तो गिरफ्तारी के बाद ये आपको अधिकार मिलता है कि आप ये कह सकते हैं कि मुझे गिरफ्तार किया है तो मेरे परिवार वाले को सूचना दी जाए। सीआरपीसी सेक्शन 50A के तहत पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि अगर आपको गिरफ्तार करती है तो 12 घंटे के अंदर अंदर आपके परिवार को पूरी डिटेल दी जाती है कि इस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है और इस थाने पर रखा है और इस जुर्म के तहत हमें गिरफ्तार किया है। यानी कि आपको ये अधिकार मिला हुआ है सीआरपीसी सेक्शन 50A के तहत कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको परिवार वाले को सूचित किया जाए। अब सीआरपीसी सेक्शन 41D के तहत आपको ये भी अधिकार प्राप्त है कि इंट्रोगेशन के दरमियान आप वकील से मिलने का अधिकार रखते हैं। आप पुलिस को ये कह सकते हैं कि आप उनके सारे सवाल का जवाब देंगे, लेकिन आप वकील से मिलने के बाद, तो पुलिस इसे मना नहीं कर सकती। तो फिर पुलिस आपके वकील को बताती है
शुरुआत है, आप उनसे बात करके बाकी का आगे का इंट्रोडक्शन है या फिर पुलिस के जो भी सवाल के जवाब है वो आप अपने वकील को कंसर्न करने के बाद आप दे सकते हैं। यानी कि सीआरपीसी सेक्शन 41D के तहत आपको ये अधिकार प्राप्त है कि इंट्रोगेशन के दरमियान या इंट्रोगेशन से पहले आप अपने वकील से मिलने का अधिकार रखते हैं। अब बात करते हैं हिरासत की, तो सीआरपीसी सेक्शन 57 के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती है। हाँ, कुछ ऐसे मामले होते हैं कि पुलिस का इंट्रोगेशन 24 घंटे में खत्म नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस को सेक्शन 167 के तहत मैजिस्ट्रेट से स्पेशल परमिशन लेनी होती है, और अगर मैजिस्ट्रेट परमिशन देते हैं तो ही 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रख सकते हैं। इसके बाद आपका ये अधिकार होता है सीआरपीसी सेक्शन 56 के तहत कि मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी हो, आपको पेश किया जाए, तो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश आने का अधिकार सीआरपीसी सेक्शन 56 के तहत मिलता है। अगर छुट्टी है तो मैजिस्ट्रेट घर पे आपको पेश किया जाएगा, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट वहां पे नहीं है तो जो मैजिस्ट्रेट चार्ज में वहां पे आपको पेश किया जाएगा, लेकिन आपका यह अधिकार है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, यह आपका कानूनी अधिकार है जिसे आपको सीआरपीसी सेक्शन 56 के तहत मिलता है। आपकी गिरफ्तारी के बाद सीआरपीसी सेक्शन 55A के तहत आपकी हेल्थ और आपकी सिक्योरिटी की ड्यूटी पुलिस की हो जाती है, और ज्यादातर केस में पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो एज पर सीआरपीसी सेक्शन 53 उसका मेडिकल करवाया जाता है, और मामला अगर रेप का होता है तो सीआरपीसी सेक्शन 53A के तहत उसका मेडिकल करवाया जाता है, और मारामारी का और छोटा मोटा मामला होता है तो मेडिकल सीआरपीसी सेक्शन 53 के तहत करवाया जाता है, क्योंकि अगर आपको चोटें लगी है तो पुलिस एविडेंस कलेक्ट करने के लिए मेडिकल करवाती है। लेकिन अगर बाय चांस मेडिकल नहीं होता है, ज्यादातर केस में 99% केस में तो पुलिस मेडिकल करवाती है, लेकिन अगर मेडिकल नहीं होता है आपका और आपको ये डर है कि पुलिस आपको मारेगी, तो आपको ये अधिकार प्राप्त है कि सीआरपीसी सेक्शन 54 के तहत आप ये मांग कर सकते हैं कि आपका मेडिकल करवाया जाए। उसके लिए आपको ये कहना है कि आपको जो भी कोई बीमारी है या भी कुछ भी यहाँ पे दर्द है या कोई बीमारी उसका बता के आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं। इससे आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि पुलिस आपको ना मारेगी नहीं, क्योंकि कोर्ट ले जाते समय जब मेडिकल होगा तो आप ये चोट के निशान आ सकते हैं, यानी कि अगर आपने पहले मेडिकल करवाया है तो आपको फिर पुलिस मारेगी नहीं, और आपको ये अधिकार प्राप्त है सीआरपीसी सेक्शन 54 के तहत कि आप मेडिकल अपना करवाने की मांग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है, तो एज पर सीआरपीसी सेक्शन 46 पुलिस बल का प्रयोग तब कर सकती है जब आपको रोकने के लिए या आपको पकड़ने के लिए कर सकती है, लेकिन अगर आप एक बार ऐसा कह देते हैं कि मैं सरेंडर करता हूं या फिर मैं अपने आपकी कस्टडी आपको देता हूं, तो ऐसे समय में पुलिस बल का प्रयोग नहीं कर सकती। पुलिस बल का प्रयोग तभी कर सकती है जब आपको रोकना हो, आपको पकड़ना हो, ऐसे टाइम में पुलिस सीआरपीसी सेक्शन 46 के तहत बल का प्रयोग कर सकती है, लेकिन 49 के तहत सीआरपीसी सेक्शन 49 के तहत पुलिस बल का प्रयोग तब नहीं कर सकती जब आप ऐसा कह देते हैं कि मैं सरेंडर करता हूं और मैं अपने आप की कस्टडी आपको देता हूं, तो एज पर सीआरपीसी सेक्शन 49 पुलिस बल का प्रयोग नहीं कर सकती, लेकिन एज पर सीआरपीसी सेक्शन 46 पुलिस आपको रोकने के लिए या फिर पकड़ने के लिए बल का प्रयोग कर सकती है। देखिए, अब बात करते हैं कि बच्चे की गिरफ्तारी के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बच्चे को अगर गिरफ्तार करने जाते हैं, किसी नाबालिग को गिरफ्तार करने जाते हैं, तो आप ड्रेस में नहीं जाएंगे, आपको कलर ड्रेस में जाना है। बच्चे को डर नहीं लगना चाहिए और बच्चे के साथ आपको काफी हम्बल तरीके से पेश आना है, क्योंकि वो बच्चा है, उसे डर के माहौल में नहीं रखना है। तो अगर बच्चे को गिरफ्तार करते हैं या फिर कोर्ट में पेश करते हैं तब रंगीन ड्रेस होना जरूरी है, पुलिस की वर्दी में उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर आप ऐसे ही लीगल राइट्स के बारे में जानेंगे, आपको लीगल ऐसा नॉलेज होगा, आप गिरफ्तारी के वक्त ये जो आपके लीगल राइट्स है अगर आपको ये पता होते हैं तो आपको एक एनर्जी मिलती है और आप सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि कानून अंधा है। कानून अंधा नहीं है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है इसलिए आपके लिए अंधा है। तो ये सब सारी जानकारी थी कि लीगल राइट्स थे कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस गिरफ्तारी के दरमियान आपके कौन कौन से लीगल राइट्स हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल राइट्स और लीगल वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुँच सके।
इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।